कितने फीट के रावण होंगे, मेघनाथ कितने फीट के होंगे? 70 फीट के रावण हैं, 65 मेघनाथ और 60 कुंभकर्ण। आम लोगों के लिए कितने दरवाजे खुले होंगे? जितने दरवाजे हैं 2-3 छोड़कर सारे खुले हैं आम जनता, क्योंकि ये कार्यक्रम VIPs के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए। आम महिलाओं के लिए एक अलग दीर्घा बनी है, इसीलिए कि महिलाओं को भीड़ में परेशानियां होती है। मैं स्वयं महिला हूं, मैं इस चीज़ का मुझे भान है। क्या आप दशहरा में देखिए ना, सप्तमी थी, लग रहा है कि अष्टमी नवमी जैसी भीड़ है। लोग जैसे लग रहा है उमड़ घुमड़ करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है, क्योंकि दशहरा होना है और गांधी मैदान में लंका दहन भी होना है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दशहरा कमेटी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुषमा साहू जी हैं, हम इनसे जानेंगे। मैम, ये जो टाइमिंग होगा लंका दहन का, वो क्या होगा रावण दहन का? देखिए लंका दहन का टाइमिंग 5 बजे से ही शुरू होता है। उसके पूर्व के कार्यक्रम जैसे सम्मान समारोह, राम जी की एंट्री, उनका 2 चक्कर इस 30 सभागार में पूरे मने गांधी मैदान में 2 चक्कर बानर सेना के साथ पूरा रहता है। और उसके बाद फिर थोड़ी सी आतिशबाजी होती है, फिर दीप प्रज्वलन हुआ, दीप प्रज्वलन के साथ साथ बलून छोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, फिर यहाँ से उसके बाद ही वो सब कार्यक्रम, उसके बाद लंका दहन के बाद आतिशबाजी के बाद फिर आपके बाद कुंभकर्ण के बाद फिर थोड़ी सी आतिशबाजी, उनके बाद फिर मेघनाथ, फिर उसके बाद पूरी आतिशबाजी और फिर रावण। उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विजय चौधरी जी मंत्री। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, सत्ता में जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं वो हमेशा इस मंच के को सुशोभित करते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं, जिनकी सत्ता रही है, वो सुशोभित करते रहे। कितने फीट के रावण होंगे, मेघनाथ कितने फीट के होंगे? 70 फीट के रावण हैं, 65 मेघनाथ और 60 कुंभकर्ण। आम लोगों के लिए कितने दरवाजे खुले होंगे? जितने दरवाजे हैं 2-3 छोड़कर सारे खुले हैं आम जनता, क्योंकि ये कार्यक्रम VIPs के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए। जितनी शिद्दत से वो इंतज़ार करते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जितनी शिद्दत से, बारिश भी होगी ना तो भी देखिएगा, वो छाता ओढ़ के मैंने प्लास्टिक ओढ़ करके वो बैठे रहते हैं। तो ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण उनके लिए है। आम महिलाओं के लिए एक अलग दीर्घा बनी है, इसीलिए कि महिलाओं को भीड़ में परेशानियां होती है। मैं स्वयं महिला हूं, मैं इस चीज़ का मुझे भान है। तो यही सब हम लोगों ने करके फिर महिलाओं के लिए एक अलग दीर्घा बनाया, जिसमें कोई पास नहीं है। कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बच्ची, कोई भी महिला उस कैटेगरी में, बस उस बैरिकेटर में अंदर आकर के सुरक्षित तौर पर आकर के देख सकते हैं। कोई बच्चे अगर खो जाते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन आप लोग? देखिए, बच्चे तो बड़े स्मार्ट हो गए आज, और ईश्वर की कृपा है कि अब बच्चे बहुत कम गुम होते हैं। पहले बहुत गुम हुआ करते थे, 10-10, 20-20 बच्चे, और उनके घर तक छोड़ना, थाने में छोड़ना, उनके परिवार का। हम लोग को रात 9, 9:30, 10 बज जाता था, अनाउंस करते करते कि कृपा ये है, बच्चा है, ये बच्चे की है, आइए ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। और अंतिम में जो बच्चे एक आध दो रह जाते थे, तो उनके लिए हम लोग थाने में जाते थे, थाने में जाते बैठते थे, जब तक उन बच्चों की सुपुर्दगी नहीं हो जाती थी। दशहरा कमेटी उनकी चिंता करता था। दशहरा कमेटी अब की बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रही थी कि जो बच्चे लेकर आते हैं उनके पैकेट में उनका पता और फ़ोन नंबर लिख दिया जाए। बिल्कुल लिखना चाहिए, और बच्चे आजकल खुद स्मार्ट हो गए हैं, अपने माँ पापा का फ़ोन नंबर फटाक से याद रहता था। लेकिन बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए, माओं को भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को स्मार्ट, क्योंकि आप इस भीड़ में लेके जा रहे हैं जहाँ लाखों की संख्या है, और बच्चे ऐसे होते हैं ना, उत्सुकता बस आगे बढ़ जाते हैं देखने के लिए, हाथ से छूट जाते हैं। तो उनको पॉकेट्स में तो ज़रूर डालिए, उनकी कलाई पर भी अगर आप लिख देते हैं, अगर मान लीजिए पॉकेट्स में बच्चा गिरा दिया, रोते रोते कहीं पर हाथ से गिरा दिया, तो उस समय में बच्चों को भी याद करा दीजिए, अपना पता ज़रूर बता सके बच्चा, इस लायक ज़रूर उनको मैंने प्रिपेयर करके लाइए। चूँकि 2 साल बाद फिर से रावण दहन का प्रोग्राम किया जा रहा है गांधी मैदान में, कितने लोगों का आने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, 2 साल के बाद औपचारिकता, बस जैसे कहते हैं ना, सांकेतिक कार्यक्रम रुका नहीं, 1 साल रुका था, पर सांकेतिक पिछली बार भी सांकेतिक हुआ था कालिदास रंगालय में, छोटे पैमाने पर हुआ, बहुत कम लोग थे, लेकिन मैंने चर्चाएं बहुत दूर, गांधी मैदान में नहीं हुआ, गांधी मैदान में नहीं हुआ था। देखिए, उस समय लोग अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे, कार्यक्रम को कौन ध्यान रखे, और
कहीं से तर्क संगत भी नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, आप दशहरा में देखिए ना, सप्तमी थी, लग रहा है कि अष्टमी नौमी जैसी भीड़ है। लोग जैसे लग रहा है उमड़ घुमड़ करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अपने परिवार को परिवार के साथ हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मतलब जैसे लग रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ईश्वर ने एक नई जिंदगी दी है, उस कोरोना जैसे अभिशाप से मुक्ति मिली है। और राम जी से ये प्रार्थना है कि ये कोरोना कभी भी दोबारा वापस ना आए। तो ये दशहरा कमेटी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुषमा साहू जी हमारे साथ जानकारी देने के लिए थी, और सारी बात डिटेल से इन्होंने बताया है। जो बच्चे के साथ आते हैं तो कम से कम उनके पैकेट में एक पता के साथ अपना फ़ोन नंबर भी लिख दें, ताकि बच्चों को घर तक पहुंचाने में, दशहरा कमेटी ट्रस्ट को पहुंचाने में एक सहयोग मिल सके। तो इस तरह का भी इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।